नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो यहाँ पे एवोगैड्रो कांस्टेंट के बारे में पूछा हुआ है कि उसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 4.8 × 10⁻¹, जो 10 लिखा हुआ है वो पावर के फॉर्म में है, मतलब जितने भी यहाँ 10 के फॉर्म में लिखे हुए हैं वो सारे जो है पावर के फॉर्म में हैं। सो इसका एवोगैड्रो नंबर का या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट का जो वैल्यू होती है वो 6.023 × 10⁻²³, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल यहाँ पे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है आपका देख रहे हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यानी कि मेंडलीव जो है इसका राइट आंसर है। दिमित्री मेंडलीव जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, और पीरियोडिक टेबल जो है वो जो अरेंज किया गया है, जिसमें जो एलिमेंट को अरेंज किया गया है उसमें बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसके फादर जो है मेंडलीव को कहा जाता है, और हेनरी मॉजले ने ये जो मैंने आपको बताया जो एलिमेंट है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे अरेंज है, वो मॉजले ने बताया था। सो यहाँ पे जो इसका पीरियोडिक टेबल का है आंसर हो जाएगा ए, मेंडलीव इज़ द नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑन विच प्रिंसिपल डज हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पास्कल लॉ के बेसिस पे या फिर पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वर्क करता है। और यहाँ पे चार ऑप्शन है, उन ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे ये नहीं डिराइव किया गया कौन सा न्यूटन्स लॉ, क्योंकि न्यूटन्स लॉ भी थर्मोडायनेमिक में भी होता है आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी होता है, काफ़ी सारे न्यूटन्स लॉ होते हैं। तो न्यूटन लॉ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं वर्क करता। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पास्कल्स लॉ होगा। आर्किमिडीज लॉ के बारे में बात कर लें, तो आर्किमिडीज लॉ कहता है बायोंसी के बारे में करता है कि व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शली सबमर्ज्ड इन लिक्विड इट विल प्रोवाइड अपवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ये है आर्किमिडीज लॉ का। जूस लॉ की बात किया जाए तो बेसिकली ये एनर्जी को डिफाइन करता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो ये जूस लॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात की गई है, इसका जो राइट आंसर होगा वो पास्कल्स लॉ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ईमेल। यहाँ पे फादर ऑफ ईमेल के बारे में पूछा गया है, तो हम थोड़ा सा फादर ऑफ ईमेल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे फादर ऑफ ईमेल का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रेमंड टेमिलसन जो है फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। बाकी ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं, जैसे लैरी पेज, तो जो लैरी पेज हैं ये फाउंडर हैं किसके, गूगल के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा लैरी पेज जो है फाउंडर है वो गूगल के हैं। इसी तरह का व्हाट्सएप का पूछा जाए कि कौन फाउंडर है, तो व्हाट्सएप का जो फाउंडर हैं उनका नाम है जैन होम जो है फाउंडर है ऑफ व्हाट्सएप। अगर एलन मस्क की बात किया जाए तो एलन मस्क का जो फाउंडर है वो मतलब एलन मस्क जो है फाउंडर वो किसके हैं, स्पेस एक्स आजकल काफ़ी चर्चित चल रहा है, जो रॉकेट्स वगैरह यूज़ करती है, या टेस्ला जो अभी हाइपर लूप वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो जो है स्पेस एक्स का एक प्रोडक्ट है, और इसके जो फाउंडर है वो एलन मस्क है। तो यहाँ पे ईमेल ऑफ फादर ऑफ ईमेल पूछा गया है, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन सी रेमंड टेमिलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म पूछा हुआ है थार्ड का, THAAD, ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर जो है पहले आपको दिख रहा है बी, यानी कि टर्नल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो है थार्ड का फुल फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से मैंने लिया है, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में पूछा हुआ है, क्या कॉमन नेम है, किसका कॉमन नेम है। तो ये जो कॉमन नेम है कॉमन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी हम ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे अगर पूछता है बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला या फिर क्या कहते हैं, तो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेकिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर को मैंने बता ही दिया। अब बेकिंग सोडा की बात किया जाए तो बेकिंग सोडा का क्या है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि जो बायोस होता है कंप्यूटर्स में या रूम में, उसमें बी फॉर क्या स्टैंड करता है। तो यहाँ पे जैसे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बेसिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बायोस का जो पूरा फुल फॉर्म है वो उसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सोर्स या सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, बाई विच मेथड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू एल्कोहल। ग्लूकोज जो है एल्कोहल में किस मेथड से कन्वर्ट होता है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्मेंटेशन प्रोसेस या फिर फर्मेंटेशन मेथड लगता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन जो होता है, जनरली ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ किया जाता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस या भी कोई भी एलिमेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन जो है जनरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ होता है। हाइड्रोलिसिस जो होता है जनरली वाटर्स वगैरह को हाइड्रोलिस किया जाता है। सो यहाँ पे ग्लूकोज जो है अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडिएशन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए अगर दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उस प्रोसेस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिडक्शन, उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है, सो इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ के बारे में पूछा हुआ है कि पॉलीग्राफ होता क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं कि लाइट डिटेक्टर है, साइन वेव ग्राफ है, ग्राफ ऑफ ECG है, सेट ऑफ ग्राफ्स है। सो जो पॉलीग्राफ होता है वो आपका एक तरह से लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है या फिर लाइट डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट है पॉलीग्राफ। सो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, लाइट डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है इन MICR, यानी कि व्हाट डज आई स्टैंड फॉर, जो MICR में आई है वो क्या स्टैंड करता है। तो मैं आपको पहले MICR का फुल फॉर्म बताता हूँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, यानी कि इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बायो से है, उसमें पूछा हुआ जो मिनीमाटा डिजीज होता है वो किस, मतलब कौन से एलिमेंट या के द्वारा पोल्यूटेड करिए, मतलब पोल्यूटेड ज़्यादा होता है, कौन से एलिमेंट द्वारा होता है, मतलब उसके किस एलिमेंट के ज़्यादा उपयोग से या फिर उसके कारण होता है मिनीमाटा डिजीज़। तो देखिए मिनीमाटा डिजीज़ जो है एक नर्वस डिसऑर्डर डिजीज़ है जो जनरली समुद्र में पाया गया था, और जो जिसकी ये होता किसकी वजह से, तो ये जो है मरकरी के वजह से होता है। सो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कि ये जो पोल्यूशन है मिनीमाटा डिजीज़ है वो मरकरी की वजह से फैलता है। और ये क्या हुआ था, मरकरी का ज़्यादा यूज़ करने से जो समुंदर या फिर नदियों में क्या है कि मरकरी का प्रेजेंस या फिर ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जो वहाँ पे सी एनिमल्स थे वो उनको ईटिंग कर गए और उनमें जो है डिजीज़ फैलने लगा मिनीमाटा, और वो जब हम फिश वगैरह को खाने लगे तो ये डिजीज़ जो है ह्यूमंस में फैलने लगा। तो इस तरह जो है मिनीमाटा डिजीज़ जो है बेसिकली मरकरी द्वारा होता है। एक डिजीज़ और है, आप उसको भी ध्यान रखेंगे, उसका नाम है इताई डिजीज़। ये जो है कैडमियम के द्वारा होता है, मतलब कैडमियम की ज़्यादा यूज़ करने से, मतलब एक तरह से जो कैडमियम का जो पोल्यूशन है उसके कारण इताई डिजीज़ होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देन हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है जो पोटैटोस इज़ ए, जो आलू होता है जिसे हम पोटैटोस कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या है, ये एक स्टेम है, रूट है, फ्रूट है या बल्ब है। बल्ब मतलब क्या होता है, बल्ब मतलब गांठ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में बल्ब मतलब गांठ होता है, आप बल्ब मतलब बल्ब मत समझिएगा कि लाइट इमिटिंग, वो कुछ नहीं। यहाँ पे बल्ब मतलब गांठ होता है, पेड़ की जो गांठें होती हैं जैसे शुगर केन की जो गांठें होती है उसे बल्ब कहते हैं। सो यहाँ पे पोटैटोस के बारे में पूछा है कि क्या है, तो पोटैटोस जो है एक तरह का स्टेम है। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्टेम को जो है कहीं कहीं ट्यूबेल लिखा जाता है, TUBER से, तो वो भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में अगर किसी एग्जाम में पूछा है पोटैटोस जो है स्टेम, अगर स्टेम की जगह ट्यूबेल दे देता है उसका राइट आंसर ट्यूबेल हो जाएगा। तो बेसिकली पोटैटोस है क्या, एक स्टेम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि जो नील गाय है बिलोंग्स टू हिज फैमिली, काऊ गोट डियर शिप, जो नील गाय है तो वो क्या है। देखिए इसमें ये काफ़ी बच्चे जो है इसका आंसर काऊ मारेंगे, तो ये आंसर गलत है। जो नील गाय है वो बिलोंग करती है डियर फैमिली से। सो इसका जो राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि जो रेड कलर ऑफ टोमेटो इज डी टू, जो लाल कलर टमाटर में होता है वो किसके कारण होता है, क्या उसमें कौन सी चीज़ होती है जो टोमेटो में जिसके कारण वो रेडनेस करता है। सो यहाँ पे जो कैरोटेनॉइड है
मतलब कैरोटोनाइड एक आप कह सकते हैं एक केमिकल है या फिर एक एंजाइम या फिर कुछ भी कह सकते हैं, वो प्रेजेंस होता है टोमेटो में, जिसके वजह से जो टोमेटो है उनका जो लाल कलर होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एंथ्रोसाइनिन है। तो एंथ्रोसाइनिन क्या होता है बेसिकली, इसमें एंथ्रोसाइनिन में होता क्या है कि ये एप्पल में जो रेडनेस का कारण है वो एंथ्रोसाइनिन है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, रेडनेस फॉर ऑफ एप्पल इज़ ड्यू टू एंथ्रोसाइनिन। बाकी जो ऑप्शन डी है कैप्सिसियन, तो इसके जिसमें जो चिलीज जो आपकी मिर्च वगैरह होती हैं उसमें जो पंजी स्मेल आती है, मतलब तीखापन जो आता है, वो कौन किसकी वजह से होता है, वो कैस जो ऑप्शन डी है कैप्सिसियन, इसकी वजह से जो है चिलीज में जो है पंजी स्मेल आता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो रेड टोमेटो के बारे में पूछा हुआ, तो उसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया, कैरोटेनॉइड जो है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि जब ऑनियन जो प्याज होता है जब आप उसको छीलते हैं तो आपकी आंखों से टीयर्स निकलते हैं, मतलब आंसू निकलते हैं, तो वो टीयर्स जो है किस वजह से निकलते हैं, कौन सी गैस जो है प्रेजेंट होती है अनियंस में। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सल्फेनिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, जो रेड रूट ऑफ शुगर केन इज डी टू, जो रेड रूट हो जाता है शुगर केन का, एक बीमारी है शुगर केन में, रेड रूट उसे कहते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, मतलब वो कौन सी मतलब कौन से आप कह सकते हैं माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो जो रेड रूट है वो जनरली जो है फंगस की वजह से होता है, तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे एग्ज़ाम में आ रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप कुछ और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।